क्या आप सब जानते हैं दुनिया में कितने लोग रोज़ाना भूखे पेट सोते हैं, कितने बच्चों की मृत्यु कुपोषण की वजह से हो जाती है, पूरे एशिया में कितने लोग कुपोषित हैं। अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। हेलो एवरीवन, मैं हूँ डाइटिशियन पायल दत्त और आज मैं आप सबके सामने फिर से एक नए टॉपिक के साथ आई और आज का हमारा टॉपिक है फूड। जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि हर साल 16th of October को पूरे विश्व में वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो वर्ल्ड फूड डे को सेलिब्रेट करने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी होगा कि उसका मेन उद्देश्य क्या है, सेलिब्रेट करने का, वर्ल्ड फूड डे को सेलिब्रेट करने का मेन उद्देश्य क्या है। तो वर्ल्ड फूड डे को सेलिब्रेट करने का मेन उद्देश्य हमारा यही है कि माल न्यूट्रिशन और ओबेसिटी को लेकर जागरूकता फैलाना कि इतना ज़्यादा माल नरिश हमारा वर्ल्ड क्यों है, इतना ज़्यादा ओबेसिटी पूरे वर्ल्ड में क्यों फैला है, लोग इतना ओबेसिटी का शिकार क्यों हो रहे हैं। तो हमारा मेन उद्देश्य वर्ल्ड फूड डे को लेके सेलिब्रेट करने के पीछे यही है कि माल नरिशमेंट और ओबेसिटी इतना ज़्यादा क्यों है उसको समझना। तो इसमें एक मेन फैक्ट जो आता है वो ये है कि हमारा जंक फूड और न्यूट्रिशियस फूड के बीच में दोनों में एक जो प्राइस डिफरेंस जो है, क्योंकि हमारा जंक फूड जो है वो न्यूट्रिशियस फूड की तुलना में बहुत चीप प्राइस पर हमें मिल जाता है। न्यूट्रिशियस फूड जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव प्राइस में हमें मिलता है। अब हम उसकी जगह जंक फूड तो कंज्यूम कर लेते हैं, बट उस जंक फूड से हमें इनफ कैलोरीज तो मिल जाती है, बट विटामिंस और मिनरल्स हमें उस जंक फूड से प्रोवाइड नहीं हो पाते हैं। तो अब हमने जंक फूड को कंज्यूम तो कर लिया, हमें कैलोरीज मिल गई और उस कैलोरीज को हमने यूटिलाइज भी कहीं पर नहीं किया या उतना नहीं किया जितना हमें उसको यूटिलाइज करना था, तो ऑब्वियस है कि हम ओबेसिटी का शिकार होंगे ही होंगे। तो इन सब से दूर रहने के लिए अगर आप ओबेसिटी से या माल नरिशमेंट से बचना चाहते हैं तो आपको ध्यान देना होगा अपने न्यूट्रिशियस फूड पर कि आपको न्यूट्रिशियस फूड लेना है ना कि जंक फूड लेना है। अब कितने ही लोग दुनिया में ऐसे हैं कि जब मैंने आपको बताया कि न्यूट्रिशियस फूड जो है वो एक्सपेंसिव है, तो यहाँ पर आता है कि कितने लोग ऐसे भी हैं जो न्यूट्रिशियस फूड को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो हम वर्ल्ड फूड डे को इस तरीके से भी सेलिब्रेट कर सकते हैं कि हम अपनी मदद तो करें, खुद हम न्यूट्रिशियस फूड चॉइस करें जंक फूड की तुलना में, हमारा प्लेट जो है वो न्यूट्रिशियस फूड से फिल हो ना कि जंक फूड से। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको भी बताए, अगर आप इन सबको ध्यान रखेंगे तो आप खुद तो एक हेल्दी और हैप्पी लाइफ जी सकते हैं, साथ ही आप दूसरों को भी मदद कर सकते हैं एक हेल्दी और हैप्पी लाइफ जीने में। और मैं आप सबके साथ फिर से मिलूंगी एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।